ओके अर्धापूर नगर पंचायत निवडणूक 2022 यामध्ये सर्वात महत्त्वाची निवडणूक म्हणजे अर्धापूर निवडणूक ही निवडणूक यासाठी महत्त्वाची आहे कारण या ठिकाणी राज्याची सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोकराव चव्हाण यांचा मतदारसंघ म्हणजे अर्धापूर मतदारसंघ या मतदारसंघामध्ये MIMच्या या ठिकाणी विजय झालेला आहे. 3 ह्या ठिकाणी सीट विजय झाल्या आहेत. त्या 3 पैकी 2 सीट ह्या एकाच परिवारातल्या एकाच ठिकाणच्या आणि या ठिकाणी जनतेनं विश्वास दाखवून त्यांना निवडून दिलं आहे. त्या विजयाचे खरे हकदार आणि श्रेय जे अधिक आपल्यासोबत आहे. अधिक भाई खरं सांगायचं म्हणजे हा विजय आपल्या परंतु MIM पक्षासोबतच अर्धा पक्षासाठी खूप महत्त्वाचा आहे आणि या नगरपालिकेच्या आपली पहिली प्रतिक्रिया काय असेल? सबसे पहले तो मैं ऊपर वाले का शुक्र अदा करूँगा कि हमको दो प्लेटफॉर्म मिले और जनता का विश्वास है हमारे ऊपर, क्योंकि यहाँ के जो मतदार संघ में जो कांग्रेस की बहुमत आए वाला है, कांग्रेस की हुकूमत है, कांग्रेस की हुकूमत में कोई काम नहीं होने की वजह से जनता ने हम पे भरोसा किए. हमको दो मजलिस वालों ने हमारे कायद में 2 टिकट दी और अल्हम्दुलिल्लाह हम 2 पे कामयाब हुए. हमारा पहला मकसद ये है कि जनता की खिदमत करना, अवाम को साथ में लेकर चलना. उनके जो कांग्रेस वालों ने काम नहीं किए अल्हम्दुलिल्लाह हम उनके काम करेंगे. चाहे बहुमत किसकी भी आ जाओ हमको उससे फ़र्क नहीं करता, लेकिन हमको सिर्फ महिलाओं का जो वार्ड से हम चुन के आए वो वार्ड के विकास के लिए हमको फाइट करना है और इंशाल्लाह जो जनता ने हम पे विश्वास से हमको जो चुन कर लाए और उसमें हम खड़े उतरेंगे इंशाल्लाह. सबसे बड़ी बात यहाँ पे फर्स्ट टाइम गए सर भी हम थी पर विजय MIM है. सर आपका वार्ड का विकास अभी कौन से यहाँ पे सिटी में प्रॉब्लम है? अभी खरीद सही तरह से बोलो तो कांग्रेस के 2 नंबर पार्टी MIM रह चुके हैं. अभी आपको MIM का विरोधी पक्ष में भी बनेगा, तो सबसे बड़ी बात कि आपकी अर्धापुर सिटी में क्या क्या डेवलपमेंट बाकी है और आप क्या क्या डेवलपमेंट करने की कोशिश करेंगे आप? सर अर्धापुर में तकरीबन सालों से कांग्रेस की बहुमत आती, कांग्रेस की सरकार है, लेकिन सर यहाँ पे आज तक उर्दू जूनियर कॉलेज नहीं है. हमारा सबसे पहला और अहम मसला ये रहेगा कि जो मुसलमान जो माइनॉरिटी के लोग हैं उनके लिए एक उर्दू कॉलेज यहाँ पे कायम करें, ये सबसे ज़्यादा अहम कोशिश है हमारी. और बाकी सर यहाँ पर कोई विकास नहीं हुआ, सिर्फ कांग्रेस के लीडरों ने अपने जेबा और अपने घरा भरे. और अभी यहाँ पर नाली से ले कर पोल लाइट डेनिस लाइन कुछ विकास नहीं हो रहा है. यहाँ से जनता परेशान है और अभी आज जो लोग कांग्रेस की हुकूमत वाले सिर्फ एक ही करते नगर से वो बनता जो उन्हें पैसे के बलबूते पे चुन के आता 5 साल वार्ड के अंदर झाँक के देखता है. आज लोगों ने उनके पैसों को धुतकार दिए और जो मजलिस पे एतमाद किए भरोसा किए अल्हम्दुलिल्लाह हम उनके भरोसे को टूटने नहीं देंगे और जो भी काम है जो भी मसले मसाइल हैं उनके हम हल करने की कोशिश करेंगे. सर यहाँ पे MIM ने एक ताकतवर नेता है, यहाँ पे एक ताकतवर उनको गिरा के यहाँ पे सर्वसामान्य जैसा आपने चुनी दी पब्लिक ने MIM पार्टी को. जी जी सर, उसके बाद क्या कहेंगे आप? सर असल में पब्लिक भी जो लोग है जनता वजन आ गई है, लोगों को कब तक चुन के लाएंगे ये लोग? जो बड़े लीडर है आज तक खरीद बड़े बनकर रहे सर, जनता के बीच में जाके जनता की जो मजबूरियां हैं जो परेशानियां आज तक देखने की कोशिश भी नहीं की, इसीलिए तो ये चीज़ उनके साथ में आना ही था. जनता ने इसीलिए उनको लात मारा. सर आप इसके बाद अभी लास्ट क्वेश्चन, अभी अपना वार्ड है नगर से 2 नंबर से वार्ड से तीनों वार्ड अपने ही है MIM से. जी जी, तो आपको जिस पार्टी कांग्रेस को सत्ता में है तो आपके वार्ड के लिए आप नजर नहीं कैसे क्या आप कोशिश करेंगे? सर हम सत्ता किसी की भी हो हम मिलजुल के काम करेंगे. हम खाली सिर्फ ये सोचेंगे कि हमारे वार्ड के लिए विकास क्या हो सकता है और हम वार्ड के लिए क्या कर सकते हैं. हम लोगों के घरों तक पहुंचेंगे, जैसा कि हमने कैंपेनिंग के दौरान डोर टू डोर पहुंचे, जो लोगों ने हमको मसले मसाइल बताए वो मसले मसाइल को हल करने की कोशिश करेंगे हम बस. अपने साथ अधिक सही बात बोले तो यहाँ पे कई ताकतवर नेता MIM पार्टी ने की ओर से जो ताकतवर नेता थे उनको गिरा के MIM पार्टी का यहाँ पे विजय संपादन हुआ है. सर आपका